हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुष इन्फॉर्मेटिक्स में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन का जो 2.6 अपडेट है उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और बिना किसी एरर्स के गेम प्ले कर सकते हैं। और जिस जो वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है, जो भी स्टेप्स आपको बताया गया है, आपको उसी को फॉलो करना है, आप बिना किसी एरर के गेम प्ले कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में यूज किया गया सारे रिसोर्सेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आपको जेड आर्चीवर ओपन करना है। उसके बाद आपको जो एक्सएपी के दिया हुआ है केआर वर्जन का, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको सबसे पहले एपीके को इंस्टॉल करना है। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है एंड्रॉयड वाले फोल्डर पे, फिर ओबीबी पे, फिर आपको जो ये com.pubg.kr मोबाइल है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। किसमें पेस्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको जाना है डिवाइस स्टोरेज, फिर एंड्रॉयड, OBB, और यहाँ से आपको परमिशन मांगेगा तो आपको परमिशन दे देना है और यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। ये जो ग्रीन वाले पेस्ट बटन है इस पर आपको क्लिक करके पेस्ट कर देना है। मेरा यहाँ ऑलरेडी पेस्ट है इसलिए रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ रिप्लेस नहीं करूँगा, मेरा ऑलरेडी पेस्ट है। तो आपको इसी फोल्डर पर डाल देना है आपको अपना OBB फाइल। उसके बाद आपको केआर वर्जन को ओपन करना है। यहाँ से आपका कुछ लोडिंग लेगा। आपको जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक रिसोर्स पैक डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो आपको रिसोर्स पैक को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको फेसबुक या गूगल प्ले गेम से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आप मैच में एंटर नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सर्वर काम नहीं कर रहे इंडिया के अंदर, तो इसके लिए एक VPN है। वैसे वो VPN नहीं है, वो DNS है, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। जब आप लॉबी में आ जाएं, उसके बाद आपको जो मैंने आपको VPN बताया है 1.1.1.1, इसको आपको इनेबल करना है। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से कुछ परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन को अलाउ कर देना है, एक्सेप्ट करना है। फिर आपको ये ऊपर तीन लाइंस पे क्लिक करना है। फिर आपको जो ये टॉप पे 1.1 है इसको सिलेक्ट कर देना है। आपको वर्क सिलेक्ट नहीं करना है, आपको 1.1 सिलेक्ट करना है। ये सिर्फ आपको एक बार करना पड़ेगा। उसके बाद आप बैक करेंगे, फिर आप इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आपको वापस पबजी मोबाइल खोलना है और फिर आपको अपने मैच को स्टार्ट करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा मैच सक्सेसफुली चालू हो चुका है। अब आप आराम से इसमें गेम प्ले कर सकते हैं और आप पिंग भी देख सकते हैं काफ़ी सही आ रहे हैं, 68, 70, कभी कभी ये 50 पर चलते हैं। तो आपको DNS लगाने से कोई इशू नहीं होगा, आप आराम से VPN लगा करके जो आपको DNS बताया गया उसको आप चालू कर सकते हैं और आराम से अपना गेम प्ले कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।